हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज का मौसम जो है काफी मस्त हो रखा है। तो देख सकते हो चारों तरफ फॉगी फॉग है और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश की बूंदें जो है अभी भी गिर रही हैं। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से बरसात का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ आज ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम जो है शुरू हुआ है। तो पिछले दिनों की उस तपती धूप और बेरहम गर्मी से आज थोड़ी राहत मिली है, ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन आज देख लो मक्की की फसल जो है आज किस तरह से खिलती हुई नजर आ रही है। अगर इसी तरह से बारिश आती रही तो मक्की की फसल की जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी तरह से होती रहेगी। तो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ वहाँ नीचे वाले गांव में, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई दुकान है नहीं, इसीलिए वहाँ नीचे जाना पड़ता है दूसरे गांव में। Few moments later. तो अभी मैं फिलहाल दुकान से हो आया हूँ। दुकान में मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि डिपो से सामान लाना था, तो सुबह डिपो बंद था तो मुझे लगभग आधा पौना घंटा वहाँ पे रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा। उसके बाद डिपो खुला, सामान वामान लिया, फिर उसके बाद अभी मैं जस्ट घर में पहुंचा। और अभी टाइम दिन के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, खाने का भी टाइम हो चुका है और घर वाले मुझे आवाज़ लगा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आज दोपहर का खाना मैं बाहर ही खाऊंगा क्योंकि अंदर भाई धुआं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हल्की हल्की हवा चली हुई है और ऊपर से देख सकते हो पहाड़ों पे चारों तरफ फॉग ही फॉग, जो कि देखने में ना काफी मस्त लग रहा है। लोग अभी भी मक्के की गुड़ाई करने में लगे हुए हैं, जिसको कि हमारे यहाँ पे दुड़ौट बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं तो वहाँ पे लोग अभी मक्के की गुड़ाई करने में लगे हुए हैं। ये ऊपर वाले गाँव से आए हैं, इनके यहाँ पे खेत हैं तो ये मक्के की गुड़ाई कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे मम्मी भी गए हुए हैं, उनकी हेल्प करवाने थोड़ी बहुत। खाने में दोस्तों आज है चपाती, चावल और राजमा का मदरा, जो कि प्रॉपर पहाड़ी डिश है। तो अभी बातें कम, फिलहाल खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। Few moments later. तो फिलहाल अभी अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो चुका है। कल हमारे गांव में रिटायरमेंट थी और दोपहर का खाना अभी जो मैंने खाया वो वहीं पे बना हुआ था। सभी लोगों को धाम दे के और खाना खिलाकर जो फिर बचा हुआ खाना था ना वो फिर आस पड़ोस में बांट दिया था, जिसमें से हमने भी लाया था थोड़ा बहुत। अभी इस वाली अलमारी के गोलब को हमने भरना है बिल्कुल उस वाली अलमारी के गोलब की तरह। तो यहाँ पे शटरिंग तो कर दी है, बस इसको अब भरना है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और मौसम बिल्कुल सुबह से मेंटेन है। अभी तक अभी भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और सुबह भी छाए हुए थे। आज के दिन में धूप जरा सी भी नहीं निकली और टाइम का भी पता नहीं चला। अभी ना वहाँ सामने वाले गांव में कटर चल रहा है, जिसका शोर अभी यहाँ तक ना काफी खतरनाक वाला सुनाई दे रहा है, जिस वजह से बैकग्राउंड नॉइस भी काफी ज्यादा आ रही है। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ वहाँ अपने घर से थोड़ा ऊपर, वहाँ से मुझे लानी है एक जड़ी बूटी जिसको कि कहते हैं शपड़ोत्री, और कहा जाता है कि वो जख्म के लिए ना काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। तो पैर से तो मैं भी थोड़ा इंजर्ड हूँ, क्यों ना एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए, देखते हैं कितना असरदार होता है कितना नहीं। और अभी बैकग्राउंड में भी कटर की आवाज़ चलना बंद हो गई। Thank you.
अभी शाम के टाइम में हमारे डंगर भी चर के वापस घर आ चुके हैं। तो दोपहर 2-1 बजे इनको छोड़ दिया जाता है चराने के लिए और शाम के टाइम में 6-6:30 बजे इनकी घर वापसी होती है। जिस तरह का मौसम आज था ना, उसी तरह का कल भी रहे ना, तो बस दिन ही बन जाएगा। बस रात भर बारिश होनी चाहिए ताकि दिन में भी लोग अपना अपना काम कर पाएं। तो आज का दिन कुछ इस तरह का था। उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। बाकी आपसे मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।